मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर अवैध रूप से शराब बनाने वाले गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार करते हुए शराब के साथ साथ शराब बनाने और पैकिंग करने का सामान बरामद किया है। इस काम का मास्टरमाइंड फरार हो गया है। मुरादाबाद के थाना कटघर अंतर्गत दुर्गेश नगर इलाके में अवैध देसी शराब बनाने और पैकिंग करने की मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा तो वहां से बड़ी मात्रा में शराब पैकिंग का सामान बरामद हुआ। आबकारी अधिकारी के अनुसार सूचना के आधार पर थाना कटघर के दुर्गेश नगर में एक स्थान पर टीम ने छापा मारा तो वहां से 25 लीटर शराब के अलावा 2,366 बोतलों पर लगाने वाली सीलिंग ढाई बंडल पर जिसमें लगभग 2,500 लेबल हैं और QR कोड भी मिले हैं। अवैध शराब का कारोबार करने वाले अवधेश और आकाश नाम के दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस काम का मास्टरमाइंड नीटू भागने में कामयाब रहा। इसके आगे की कार्यवाही थाना पुलिस करेगी। ये आज शराब की बरामदगी हुई है, कटघर थाने में बरामदगी की गई है। करीब 25 लीटर शराब है और QR कोड है, ढक्कन है, रैपर है, भारी मात्रा में। शराब बताना कटघर थाने में पकड़ी गई है, किस एरिया में पकड़ी गई? कटघर थाने में, ये जो है दुर्गेश नगर जगह का नाम है। तो कितना माल पकड़ा? शराब जो है 25 लीटर पकड़ी गई है, 2,366 ढक्कन देसी शराब के हैं सरसादी लाल के, और ढाई रोल के आसपास, एक रोल में करीब 1,000 है वो पकड़ा गया है। ये लोग की सूचना तो मिल रही थी कि कुछ दिनों से कर रहे हैं, उसमें से एक दो आदमी फरार है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड है, बाकी लोगों का पता किया जा रहा है, पुलिस विवेचना में पता करेगी। सर, इंग्लिश शराब के रैपर भी मिले हैं या ढक्कन ही मिले हैं? नहीं, रैपर तो नहीं मिले हैं, ढक्कन और QR कोड मिला है। गिरफ्तारी दो आदमी की गई है, मौके से एक आदमी फरार हो गया, भागने में सफल हो गया। दो आदमी, क्या नाम है उनके? एक आदमी का नाम है अवधेश गुप्ता और एक है आकाश कश्यप, और एक नीटू करके कोई है, वो भाग गया।